दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नरक भी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहु बेटियों की कुछ आदतें घर परिवार में जहाँ दरिंदता के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो वहीं कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो घर में सुख और समृद्धि लाती हैं। दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो लक्ष्मी की तरह घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दोस्तों घर की औरतों को ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। या यूं कह लीजिए, अगर औरत ये काम करे तो समझ जाइए ऐसी औरत राजा को भी भिखारी बना देती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि वे कौन से काम हैं जो एक औरत करे तो एक पुरुष राजा से भिखारी बन जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक आदि पर दिल खोलकर शेयर भी करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है, या यूं कह लीजिए ऐसे घर में हमेशा गरीबी ही रहती है। दोस्तों अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि वो तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है या गरीबी और दुख का कारण बनता है। दोस्तों जिस घर की महिलाएं पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलती हैं, वहाँ से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोकें। दोस्तों अगर घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों शास्त्रों में इसे बेहद अशुभ माना गया है। दोस्तों घर की महिलाएं अक्सर रात में रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं। दोस्तों ऐसा उन्हें हरगिज ना करना दें, क्योंकि यह गरीबी को दावत देने जैसा है। ऐसा अगर वो करेंगी तो आप पर गरीबी अवश्य आएगी। दोस्तों घर में सुख शांति के लिए हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोंछा लगवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल के बजाय रात या शाम के समय झाड़ू लगाती हैं, उस घर में दरिद्रता अवश्य आती है। दोस्तों इसलिए इस आदत को तुरंत ही बदलवाएं, वरना आपको ताउम्र पछताना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके या किसी भी घर की महिलाएं देर तक सोने की आदत से पीड़ित हैं तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, देर तक सोने वाली स्त्रियां अपने पति और उसके परिवार व ससुराल के लोगों की असफलता का कारण बनती हैं। तो अपनी बीवियों को और अपनी पत्नियों को हरगिज भी देर तक ना सोने दें, क्योंकि यह काम आपके गरीबी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों ये थे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण वचन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।